हाय गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है देसी कॉर्न चाट। कॉर्न लीजिए, उबालने के लिए रख दीजिए उन्हें, नमक डालिए उनमें। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाएं, उनको आराम आराम से छलनी से निकालते रहिए, और मर्ज़ी तुम्हारी, जैसे तुम्हें निकालना है, जिसमें तुम्हें निकालना है, जैसे भी करना है तुम्हें कर लो। तुम्हें इसे बस, तुम्हारा मिशन एक होना चाहिए, तुम्हें ये कॉर्न को इसमें डालना है, पानी फेंक दो। उसके बाद अमूल बटर लीजिए, कोई भी बटर लीजिए, घर का बना हुआ क्रीम वगैरह बटर, जो भी तुम्हारी मर्ज़ी है। मिक्स करने के बाद आप उसमें थोड़े से टमाटर ऐड कीजिए। टमाटर ऐड करने के बाद अगर तुम्हें मिर्च मसाले वाले इंसान हो भैया, इसमें हरी मिर्च डालो कटे हुए, उसके बाद प्याज डालो, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी प्याज डालो, मज़ा आता है। उसके बाद धनिया डाल दो, उसके बाद लाल मिर्च डाल दो पिसी, उसके बाद चाट मसाला डाल दो, उसके बाद नमक डाल दो, और उसके बाद आप टेस्ट के अकॉर्डिंग तंदूरी क्रीम ऐड कर सकते हो। मुझे तो अच्छी लगी थी भाई, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अचारी हो गया था इससे। उसके बाद ऑरिगेनो डालिए, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है भैया ऑरिगेनो का, हर चीज़ में ऑरिगेनो डाला जा रहा है। उसके चिली फ्लेक्स लीजिए स्पाइसी बनाने के लिए। उसके बाद नींबू लीजिए, नींबू काट दीजिए, नींबू पीस दीजिए इसमें, एकदम इस तरह से पीसना जैसे मिडिल क्लास फैमिली के घर में एंड में कोलगेट बचता है ना, उसको बेलन से पकड़ के पीसते हैं, सेम वैसे पीस दो भाई। उसके बाद इमली की चटनी डाल दो और खट्टी कर दो इसको, मज़ा आएगा, चटपटी भी कर दो। उसके बाद भाई टोमेटो सॉस लीजिए, केचप लीजिए और इसे भर के डाल दीजिए अच्छे से। केचप डालने के बाद भाई ये एक चमचा लीजिए अच्छे से, उसको उठाइए, सारे आइटम्स को पटकिए, फेंकिए, इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इनके रिलेशंस काफ़ी मिक्सड अप हो जाने चाहिए। और फिर उसके बाद क्या रेसिपी क्या देख रहे हो, बनाओ और खाओ, मज़े करो।